hello students i am here again with the second part of our chapter 1 computer system so in the previous video we have seen classification of computers by size classification based on principles of operation and in hardware topic we have seen input devices right and now we are going to see output devices what is output devices that we have already seen in previous video so we are going to see now the first one our output device monitor monitors are commonly called as visual display unit right are the main output device of a computer it is very important output device of computer it forms images from tiny dots called pixels that are arranged in rectangular form right jo hmm. आपको इमेज दिखती है वो एक छोटे छोटे डॉट से बनती है और ये जो तीन डॉट्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम पिक्सल्स द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स मतलब आपके पिक्सल्स ज़्यादा होगी तो आपकी इमेज क्या होगी क्लियर राइट देर आर टू काइंड ऑफ यूइंग स्क्रीन यूज फॉर मोनिटर्स के थर्ड रेड ट्यूब एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले राइट द सेकेंड वन आउटपुट डिवाइस इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर एल सी डी प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर हम सब ने देखा है हमारे सभी क्लास में प्रोजेक्टर है राइट एंड एल सी डी प्रोजेक्टर इज अ टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो इमेजेस और कंप्यूटर ऑन अ स्क्रीन और अदर फ्लैट सरफेस इट इज़ अ मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ द स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवर हैड प्रोजेक्टर इट इज़ कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग प्रजेंटेशन ड्यूरिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग बट वी आर यूजिंग इट फॉर स्टडी The next one output device is plotters. A plotter is a printer that interprets commands from a computer to make line drawing on paper with one or more automated pens, right? This is like a printer, but usika malagota. <laughs> unlike a regular printer, the plotter can draw continuous point-to-point -point lines directly from the vector graphics files or commands, right? There are a number of different types of plotter. अलग अलग टाइप के प्लॉटर होते हैं जैसे सॉरी ड्रम प्लॉटर फ्लैट बेड प्लॉटर एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक प्लॉटर सो इन ड्रम प्लॉटर ड्रोज ऑन अ पेपर रेप्ड अराउंड द ड्रम विच टर्न्स टू प्रोड्यूस वन डिरेक्शन ऑफ द प्लॉट ड्रम प्लॉटर कैसे होते हैं रेप करके होते हैं पेपर उसमें क्या होता है ड्रम पे रैप किया होता है और वो क्या होता है टर्न होता है वाई द पेन स्मू टू प्रोवाइड द अदर डिरेक्शन और पेन दूसरे डिरेक्शन में मूव होती है इन अ फ्लैट बेड प्लॉटर अ फ्लैट बेड प्लॉटर ड्रोज ऑन पेपर प्लेस्ड ऑन फ्लैट सरफेस तो उसमें ड्रम नहीं होता है फ्लैट सरफेस ही होती है और उसमें क्या होता है पेपर उसमें ही प्रिंट आउट निकलता है एन एन इलेक्ट्रोस्टेटिक प्लॉटर ड्रोज ऑन नेगेटिवली चार्ज पेपर विथ पॉजिटिवली चार्ज टोनर वो जो इलेक्ट्रोस्टेटिक प्लॉटर है वो कहाँ पे ड्रॉ करेगा नेगेटिवली चार्ज पेपर पे राइट right? लास्ट वन इज़ इंक चिट प्रिंटर्स सो इंक चिड प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स बेस्ड ऑन रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी दे प्रिंट कैरेक्टर्स बाई स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर इंक चिट प्रिंटर प्रोड्यूस आई क्वालिटी आउटपुट विथ प्रेजेंटेबल फीचर्स मतलब कि जो हम आजकल देख रहे हैं वो सब कौन से इंक चिट प्रिंटर्स फीस आपको कुछ भी स्मॉल ड्रॉप में से इंक पेपर पर स्प्रे होती है और आप आपको तो क्या मिलेगा उसमें प्रिंट आउट मिलेगी दे मेक सॉरी दे मेक लेस नोइज बिकॉज नो हैमरिंग इज डन एंड दिस हैव मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती क्योंकि कुछ हैमरिंग नहीं होता है और उसके अलग अलग क्या होते हैं मोड्स होते हैं कलर प्रिंटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इसमें आप कलर प्रिंट भी कर सकते हो सम मॉडल्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग Also, some models of inkjet printer can produce multiple copies of printing. Also, so these are the repeated line. The next one is software. Hardware. We have input device and output device. Now, in the part of software, software is a generic term for organized collection of computer's data and instruction, right? job data and instruction. what is Software. ऑफन ब्रोकन इंटू टू मेजर कैटेगरीज हम सबको पता है सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सो इन सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर दिट प्रोवाइड्स द बेसिक नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज बाई यूजर्स टू अकम्पलिस स्पेसिफिक टास्क राइट सो उसमें फर्स्ट वन है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अगर आपको कंप्यूटर को वर्क करवाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है इंपॉर्टेंट है मतलब वो चाहिए ही और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दिस प्रोग्राम्स हेल्प इन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इन टू ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स इंटरप्रिटर्स कंपाइलर्स एंड असेंबलर मतलब ये हमारी सब क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है अगर आपके पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा पीसी स्टार्ट नहीं होगा एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब जो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है उसके बीच में लिंक कौन करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन ऑफ़ द कंप्यूटर इट इज़ स्पेश्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मोनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ़ द अदर प्रोग्राम्स द ट्री साइड इन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपके जो भी रिसोर्स है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है एंड जो अदर एप्लीकेशन है वो भी कौन रन करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज एंड्रॉइड, लिनक्स मैक ओएस राइट विंडोज सेवन तो जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे सब पीसी में वो एंड्रॉइड तो आपके फोन में एंड्रॉइड की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है लिनक्स मैक ओएस तो एप्पल के जो पीसी आते हैं उसमें मैक की ओएस होती है द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ड्राइवर्स और ड्राइवर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज़ योर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर और डिवाइसेस मतलब कि हार्डवेयर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है तो क्या चाहिए होता है उसका ड्राइवर जैसे आप कोई प्रिंटर यूज़ कर रहे हो तो उसका क्या आता है ड्राइवर आता है राइट right? पहले वो इंस्टॉल करना होता है तो ये आपका वो प्रिंटर वर्क करता है विदाउट ड्राइवर द हार्डवेयर यू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल अ वीडियो कार्ड और अ प्रिंटर विल नॉट वर्क प्रॉपरली अगर आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो आपका वो हार्डवेयर है वो क्या होगा वर्क नहीं करेगा द नेक्स्ट वन इज A कंपाइल इज a प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट a प्रोग्राम program इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज language into मशीन कोड फॉर सम कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कि जो कंपाइलर होता है हम हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज वो क्या होती है हाई लेवल वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता राइट तो जो हम इंग्लिश में कोई कमांड देते वो कन्वर्ट और ट्रांसलेट कौन करेगा कंपाइलर into machine मशीन कोड दैट zero and one. द जनरेटेड मशीन कोड कैन बी लेटर एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स अगेंस्ट डिफरेंट डेटा इच टाइम राइट द कंपाइलर फर्स्ट रीड द वर्ल्ड प्रोग्राम एंड रिपोर्ट प्रोग्राम एरर टू द यूजर मतलब आपने कोई हाई लेवल में कोई प्रोग्राम लिखा है उसको पहले कंपाइलर क्या करेगा ट्रांसलेट करेगा तो वो पूरा प्रोग्राम पहले से क्या कर लेगा एंड uh, कोड कर लेगा और कुछ भी ट्रांसलेट करेगा और कुछ एरर होगी तो यूजर को कन्फर्म करेगा और द नेक्स्ट वन इज इंटरप्रिटर एन इंटरप्रीटर रिट्स एन एग्जीक्यूटल इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज डेटा फॉर दिस प्रोग्राम एंड इट रन्स द प्रोग्राम्स अगेंस्ट डेटा टू प्रोड्यूसल्स इंटरप्रिटर भी कंपाइल की तरह ही वर्क करता है राइट जो रीड करता है एग्जीक्यूटर सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है एन इंटरप्रीटर इज स्मर देन कंपायलर और इंटरप्रीटर क्या होता है कंपाइलर से स्मॉल होता है वन एग्जाम्पल इज द यूनिक सॉरी यूनिक्स सेल इंटरप्रेटर विच रन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स इंट्रेक्टिवली द लास्ट वन इज असेंबलर एंड असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होता है उसको क्या करता है मशीन लैंग्वेज में असेंबलर ट्रांसलेट करता है अब आप ये पूछोगे कि व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज तो दैट वी विल सी लेटर एंड द सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी हमने क्या देखा है सब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन द अदर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अकम्पलीस स्पेसिफिक टास्क अदर देन जस्ट रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको चाहिए कंप्यूटर को वर्क करवाने के लिए बट दूसरी जो एप्लीकेशन है वो कौन रन करवाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कोई और फंक्शन आपको एक्सेस करने कम्प्यूटर्स के तो वो किस में होगी बाई यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंजिस्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम सच एज इन इमेज बी और अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ कॉल्ड कोल्ड सॉफ्टवेयर पैकेज दैट वर्क क्लोजली टूगेदर टू एंड अ टास्क मतलब कि कोई भी वर्क करवाने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अलग से तो वो क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच इज अ स्प्रेडशीट और टेक्स प्रोसेसिंग सिस्टम अ लार्जर कलेक्शन ऑफन कॉल सॉफ्टवेयर ऑफ रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स एंड द पैकेजेस डेट अव अ कॉमन यूजर इंटरफेस और सेड डेटा फॉर्मेट सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम यूज़ करें ना वर्ड एक्सेल पावरपेड वो सब हमारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो हमें हमारा काम इजी करने के लिए हम भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो तो क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली इंटीग्रेटेड वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट डेटाबेस एक्सेट्रा और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम सच एज डेटाबेस डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल प्रोग्राम्स दैट मे प्रोवाइड सम सर्विस टू अ वाइटी ऑफ अदर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन राइट सो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए और मैनली उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज सो इन लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज एंड असम्बली लैंग्वेज आते हैं सो लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज आर मशीन कोर्स और क्लोज टू इट मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज मतलब हमारा मशीन कोर्ड्स जीरो इन वन ईयर उससे क्लोज होता है कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज और इन इंग्लिस मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को वो नहीं समझ पाता इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज मतलब कि जीरो एंड वन देर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज लेट्स मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी डेवलप मतलब सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी मसीन लैंग्वेज मसीन लैंग्वेज इज बेजिकली

द कंप्यूटर बाई स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स मतलब कीपिड्स जीरो एंड वन द सिम्बोल जीरो स्टैंड फॉर द एबसेंस ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिक पल्स एंड वन स्टैंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रिक पल्स सिंस द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ रिकोगनाइजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इट अंडरस्टेंड मार सिंग लैंग्वेज मतलब जीरो वन क्या है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही है राइट तो कंप्यूटर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल समझ सकता है द next one is assembly language assembly language was the first computer language to use words made with the letters of english alphabet machine language means of 0 and 1 but assembly language may have english alphabet it was developed in 1950 it is a low level computer programming language for a computer or other programmable device specific to particular computer architecture in contrast

सॉरी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ फॉर्मेट्स दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश की तरह हम उसको लिख सकते हैं द पर्पज ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज वॉज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स ईजीली इन दर ऑन नेटिव लैंग्वेज एनवायरमेंट मतलब मशीन लैंग्वेज में तो आपको अगर प्रोग्राम लिखना है तो जीरो जीरो वन में लिखना पड़ता था असेंबली में आप यूज़ कर सकते थे कोड्स जो मेमोनिक कोड हम यूज़ करते मतलब एड करना है तो ए डबल डी कोड यूज़ होता है तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है कोड याद रखना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ये कोड है मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं होता आप अपनी ओन लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिम्बोलिक लैंग्वेज देर आर यूज इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल सिम्बोल्स राधर देन मेमोनिक कोड्स इट्स इंस्ट्रक्शन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इन टू मैन सॉरी मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड अगेन फिर ये क्या होगी जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको इंटरप्रिटर और कंपायलर क्या करेगा ट्रांसलेट कर लेगा इन मशीन लैंग्वेज सम एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आ बेजिक कोबॉल फोर्ट्रान सी सी प्लस प्लस जावा राइट ये सब क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में तो इस चैप्टर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर

सेकेंड वन इज ऑन द बेजिस ऑफ साइज वी कैन क्लासीफाइड कॉम्प्यूटर इन टू डैस् ग्रुप्स तो साइज के अकॉर्डिंग हम उसको फाइव ग्रुप में क्या कर सकते डिवाइड कर सकते हैं मिनी कॉम्प्यूटर्स माइक्रो कम्प्यूटर्स सुपर कॉम्प्यूटर्स जो हमने देखे थे वो द थर्ड वन इज अ टेबलेट इज़ अ वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कम्प्यूटर विथ अ डैस स्क्रीन इंटरफेस कौन सा इंटरफेस उसमें होता है टैबलेट में टच स्क्रीन इंटरफेस होता है फोर्थ वन इज़ कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली कौन से कंप्यूटर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली प्रोसेस करता है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स राइट फोर्थ वन का आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इज अ फोन कैपेबल ऑफ रिकोगनाइजिंग यूजिंग डेस्क इंक राइट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कौन सी इंक यूज करता है तो मैग्नेटिकली इंक द राइट आंसर इज मैग्नेटिकली सिक्स वन इज मोनिटर फॉर्म्स इमेजिस फ्रॉम टीनी डोट्स जो टीनी डोट्स होते हैं मोनिटर उसको हम क्या बोलते हैं पिक्स एल्स राइट सेवेंथ वन इज एंड डेस्ट प्रोजेक्टर इज कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस कौन सा प्रोजेक्टर यूज होता है तो एल सी डी द राइट आंसर इज एल सी डी द सेकेंड वन इज ट्रू और फॉल्स सो फर्स्ट वन इज द वर्ड कंप्यूटर इज एडॉप्ट फ्रॉम द स्पेनिज वर्ड कंप्यूटर राइट right. कंप्यूटर में से लिया गया है बट वो स्पेनिश नहीं है कौन सा वर्ड है लैटिन दैट्स वाई फर्स्ट वन इज़ फोल्स मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस में आल्सो नोन एज पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस यस इट इज ट्रू द थर्ड वन इज़ लैपटॉप कंप्यूटर्स आर आल्सो कोल्ड ई बुक कंप्यूटर्स नो उसको क्या बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर तो थर्ड वन क्या होगा फोल्स द फोर्थ वन इज़ मिनी कंप्यूटर्स फर्स्ट अपीरियड इन टू यस इट इज ट्रू The fifth one is the MICR CRC7 was created according to ISO standards. Yes, again it is true. The sixth one is a compiler is smaller than interpreter. No, it is false. Interpreter kya hota hai? Smaller hota hai? Compiler se. The seventh one is machine language is the lowest and the most elementary level of programming language. Yes, again it is true. The next one is MCQ. The first one is days are bringing many changes in every field. राइट तो क्या आएगा कंप्यूटर्स आर ब्रिंगिंग मेनी चेंजेस इन एवरी पेयर राइट आंसर इज बी द सेकंड में एमसीक्यू सी वर्ड कंप्यूटर इज एडॉप्ट फ्रॉम अ लेटिन वर्ड द राइट आंसर इज ए थर्ड वन इज अ डेस्क कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्रोसेस न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डेटा राइट तो उसका क्या होगा राइट आंसर थर्ड में डी डिजिटल कंप्यूटर राइट Fourth one is mobile computing devices also may be known as desk computing devices. Right? So, its right answer? Kya handheld. B. Mobile computing device, do we Handheld computing device. B. The fifth one is a desk comes without a keyboard and mouse. So, tablet may keyboard and mouse. Nahi hota. The right answer is C. The desk is an example of e book reader. सो बी किंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई बुक रीडर द राइट आंसर इज बी सेवेंथ वन इज डैस इज अ फोन कैपेबल ऑफ रिकोगग्नाइजिंग सॉरी रिकोगेशन यूजिंग मैग्नेटिकली चार्ज इन राइट सो उसका राइट right आंसर क्या आएगा एम आई सी आर द एट वन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो कोल्ड अ डैस लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द राइट आंसर इज बी

so uh, descriptive questions we will see in uh, sorry we will see later thanks for watching